लग रहा है मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है, सही बता रहा हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी बज रहे हैं 7:30 और बस सोके उठ गया हूँ। और मेरा रूटीन ऐसा होता है कि मैं लेट से उठता हूँ तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरे को तुरंत उठते के साथ नहाने जाना पड़ता है। तो क्योंकि रात को मैं लेट से सोता हूँ तो सुबह भी लेट हो जाता है उठने में। तभी सीधा क्या कि उठो और सीधा नहाने जाओ। तो अभी मम्मी को बोल रहा हूँ पानी गर्म करने के लिए। मम्मी पानी लगा दिए, लगा दिए। हाँ जल्दी लगाइए। तो गाइस, जब तक से पानी गर्म होता है उतना तक मैं अपना शर्ट को प्रेस कर लेता हूँ, क्योंकि मैं रोज सुबह ही करता हूँ, रात को करके नहीं सोता। तो अभी जल्दी से प्रेस कर लेते हैं, पानी भी हो रहा गर्म। और ये है मेरा शर्ट, पैंट तो प्रेस किया हुआ है और इसमें भी बेडशीट नहीं बिछा हुआ है, क्योंकि उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि कल मैं यहाँ पास बेड पे ही खाना खा रहा था तो हुआ क्या कि दाल गिर गया था मेरे से, तो बेडशीट हो गया गंदा, तो अभी तक नहीं बिछा हुआ है। तो ये प्रेस हो गया चालू, अब इसको जल्दी से कर देते हैं। और एक सबसे खुशी की बात है कि जब आपके पुराने पॉकेट से, आपके पुराने पैंट या शर्ट के पॉकेट से कुछ पैसे निकलते हैं तो उसका जो सुख होता है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो मेरे पॉकेट से अभी 60 रुपये मिले हैं, ये 10 का नोट और 50 का नोट, तो अपना जुगाड़ हो गया है। अब देखते हैं इसका क्या करना है और जल्दी प्रेस कर लेते हैं। प्रेस गर्म हो रहा है क्योंकि टाइम बहुत जल्दी होता है, सुबह मेरे को बहुत जल्दी जाना रहता है, क्योंकि हमेशा मैं ऑफिस में लेट जा रहा हूँ। और एक ना एक दिन मेरे को ऑफिस में बोलेंगे कि इतना लेट कैसे आते हो, हर दिन मेरे को 10 से 15 मिनट लेट हो ही जाता है। तो जल्दी से करते हैं, तब तक पानी गर्म हो जाएगा फिर ना। ब्रेकफास्ट भी हो गया रेडी, अब जल्दी से इसको कर लेते हैं फिर ऑफिस निकलते हैं, क्योंकि टाइम आप देख रहे होंगे 9:25 हो गया, मेरे पास 5 मिनट बचा हुआ है, तो जल्दी इसको करके निकलते हैं। सो गाइस, अब मैं आ गया हूँ ऑफिस और यहाँ पास फिलहाल जो काम था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। और ब्लॉग करने के लिए कुछ खास है नहीं, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना काम कम्प्लीट कर लिया, टेबल पूरा खाली, कुछ फाइल वगैरह नहीं है। सो गाइस, अभी मैं घर जा रहा था लंच के लिए, तो मैं सोचा आप लोग को एक लैब है उसको दिखा देता हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे लैब हैं कॉलेज में, तो एक लैब जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। सो गाइस, फिलहाल अभी तो अंदर मीटिंग चल रही है मैडम और सर लोगों की, तो मैं थोड़ा बाहर घूम रहा हूँ क्योंकि मेरे को मीटिंग में बैठना बहुत ही ज़्यादा बोर लगता है। तो अभी मैं बाहर आया हुआ हूँ और यहाँ गैलरी पे घूम रहा हूँ। तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग ऐसे सोए हुए हैं, ये डमी है तो ऐसे सोए हैं कि लग रहा है सही में रियल में कोई सोया। मेरे को रात को तो आने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब शाम को भी अकेले आता हूँ तो मेरे को डर लगता है, क्योंकि एकदम मतलब बहुत खतरनाक टाइप से मेरे को फीलिंग आता है कि भूत उत वाला लगता है मेरे को। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे लेटे हुए हैं जो डमीज हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं हमारे कॉलेज में, तो जो भी पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल पूरा लैब वगैरह में आके करते हैं। तो अभी मैं आपको एक एक जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर उसको दिखाता हूँ, चलिए। सो गाइस, ये नर्सिंग फाउंडेशन लैब है, तो मैं तो इस फील्ड का नहीं हूँ, लेकिन ये लैब देख सकते हैं आप, पूरा हॉस्पिटल का जैसे आपको फीलिंग आएगा, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं इसका यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है, ये है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, और इसमें थोड़ा टैप करके दिखाता हूँ। तो इतने सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं और इसको तो अगर मैं बोलूँ मैं क्या बोलता हूँ तो इन सबको मैं कैंची ही बोलता हूँ। अब हालांकि सबका काम अलग अलग है लेकिन मेरे लिए सब कैंची ही है। और ये सब कुछ कुछ है, और ब्लड प्रेशर वगैरह मेजर करने के लिए है। फिर यहाँ स्टेटोस्कोप भी दिख रहा है, और फिर डमी लेटे हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ पास से, देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, सही बता रहा हूँ, क्योंकि आप नॉर्मल हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो आपको डर लगेगा अगर रात को, लेकिन यहाँ तो एकदम ऐसा लग रहा है कि सही में लोग लेटे हुए हैं, डमी लेटे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इधर क्या क्या है, ये अलग अलग ट्रे बने हुए हैं नेल के लिए और इंजेक्शन ट्रे या यूरिनरी ट्रे, तो अलग अलग ट्रे हैं, इसके अंदर क्या है, तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखे हुए हैं, मेरी तो समझ से बाहर का है। और यहाँ पास ये भी है, ये क्या, ये सब अगर मैं बताऊँ तो ये क्या, तो पाइप है, इंजेक्शन लगाने वाला है, वेट मेजर करने वाला है। और इधर क्या, उसको दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये है अपना मोमोज का डब्बा तो सर्जिकल ग्लव वगैरह इसमें रखा जाता है, सर्जिकल गाउन वगैरह इसमें रखा जाता है, अंदर कैसा है तो इस प्रकार का अंदर है। और ये भी कुछ कुछ है, तो पूरा हॉस्पिटल के जितने भी उपकरण हैं आपको यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि नर्सिंग फील्ड का से ये कॉलेज है तो आपको सब मिलेंगे। फिर ये क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रही, ये सिलेंडर है
ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है मेरे को, और ये अलमारी में आर्टिकल्स वगैरह हैं, और ये डमी फिर से लेटा हुआ है। तो बहुत सारे लैब हैं, आपको मैं दिखाऊंगा एक एक करके कई लैब, तो आज के ब्लॉग में इसी को देखिएगा, बहुत आपको ठीक लगा होगा देख। तो आप लोग ने भी देखा होगा हॉस्पिटल वाला, आपको बुरा लगा होगा, फीलिंग आया होगा। तो अब मैं जा रहा हूँ घर लंच करने, अभी तो बिल्कुल बोर हो रहा हूँ मैं, क्योंकि ब्लॉग करने के लिए भी कुछ मेरे को मिल नहीं रहा है वैसे खास। तो मैं सोचा एक लैब भी दिखा देता हूँ, तो आप लोग को शायद कुछ नया देखने को मिला होगा। चलिए अभी शाम का क्या सीन है उसको देखेंगे, तभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ लंच करने के लिए। तो सो गाइस, आ गया हूँ घर लंच करने के लिए। तो यहाँ चावल है, दाल है, चटनी है, आलू का भुजिया है, और ये रात की सब्जी थी ये भी बची हुई है, चटनी तो ऐसी पिसा हुआ है। तो जल्दी से लंच करके मेरे को ऑफिस जाना है, क्योंकि अब वहाँ पास काम है, बहुत देर से खाली बैठा हुआ था, अब काम मिल गया है, तो जल्दी लंच करके चलते हैं ऑफिस। सो गाइस, जब मैं आ गया हूँ घर, ऑफिस के जो काम वगैरह थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए, मैंने वहां भी आपको बताया था। अभी मेरे हाथ में है झोला और मैं जा रहा हूँ बाजार, क्योंकि लाना है घर के लिए सब्जी। और अभी घर से जस्ट मैं आया हूँ और जस्ट जा रहा हूँ, शशांक भी वहाँ वेट कर रहा है क्योंकि उसको भी जाना है, तो दोनों साथ में जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, बाइक में यही छोड़ रहा हूँ, शशांक की गाड़ी में जाऊंगा, तो उसके घर चलते हैं। बैठ गया हूँ आराम से, एज यूजुअल ऐसे बैठ जाता हूँ, लगता है कि अब सामने का गाइस, हम लोग अभी आ गए हैं बाजार, और इतना भीड़ है यहाँ पास, आप देख सकते हैं। टमाटर कैसे भैया? अच्छा, व्लॉग में आओगे भाई? सब व्लॉग में आओगे तुम लोग? आपको भी 2 किलो? 1 किलो। बीस दे रहे बाबू, 3 किलो बोलो भाई, 20 का आओ दो बाबू। व्यापारी बड़े हैं यार, आओ दो आओ दो। डालो डालो, इसको भी डालो। अदरक कैसे भैया? 10 रुपए का दे दो। ओ चाचा, तो गाइस सब्जी हमने ले चुका है, और ये देख सकते हैं झोला मैंने पकड़ा, दो दो झोला था, एक शशांक का एक मेरा है। तो अभी अब जा रहे हैं हम लोग घर। अभी फिलहाल मैं अजीत के यहाँ आया हूँ, और शशांक यहाँ गाड़ी चला रहा है, और इसकी गाड़ी के लाइट, इसकी गाड़ी में समस्या रहती है, तो इसकी गाड़ी का व्लॉग बना बना के मैं थक चुका हूँ, बहुत समस्या इसकी गाड़ी में रहती है। तो अजीत इसकी गाड़ी को चेक कर रहा है अभी। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ बस स्टैंड, और अजीत और शशांक वहाँ पर जा रहे हैं, और अब हम लोग यहाँ पास, वो देखिए वहाँ पर लोग जा रहे हैं। मैं यहाँ पास आया हूँ जलेबी खाने के लिए, अभी यह जलेबी गरम गरम निकाल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेस पूरा। तो भैया अभी गर्मा गर्म जलेबी निकाल रहे हैं, और इसको हम लोग खाने वाले हैं, घर भी ले जाना है। कैसे? बढ़िया है। एक बार में कितना जाता है भैया? एक बार में कितना जाता है जलेबी खाने का मन करता है? हम कितना पीस हो जाता है? 1.5 पीस खाऊं? वो अभी निकाल के रखे, लेकिन थोड़ा ठंडा हो गया, और ये चाशनी इसी पर भी इससे निकालेंगे और फिर इसको डुबाएंगे। तो अभी जल्दी से बनने देते हैं, उसके बाद हमको खाना है गर्मा गर्म जलेबी। तो जलेबी सिका चुका है पूरी तरीके से, अब इसको भैया इसमें डाल रहे हैं। ये क्या चाशनी का भैया? चाशनी में डाल रहे हैं।
पिस्ता का पूरे को अभी इसमें डाल देंगे भैया, उसके बाद गर्मा गर्म हमको जलेबी मिलने वाली है। ये दो लोग आ गए हैं, ये क्या खरीद के आ रहे हो तुम लोग? दही दिखाओ। अभी दही जलेबी खाएंगे। अच्छा अच्छा वाह, दही ले आए लोग। पता है ना, बिल्कुल पता है, मैं शादी की पार्टी में खाया हूँ। भैया है भैया के आप लोग सीतापुर में बस इतना है, तो अभी भी खाएं। आप लोग कहाँ के हो भैया? हेलो, राजस्थान। राजस्थान के हैं भैया, ये देखो राजस्थान में पढ़ता थे, अभी तो राजस्थान से आ रहा हूँ यार। ये गर्मा गर्म निकल गया है, आया ही का पढ़ने गया था। ऐसा मत बता कि वहाँ का मतलब मैं निवासी हूँ। निवासी नहीं है, दो साल तो वही निवासी है ना। कैसे भैया? तो वहाँ से निकाले भैया, चाशनी में डाले, अब इसको गर्म गर्म इसमें डालने वाले हैं अपने प्लेट में। जोधपुर में मेरे एक दोस्त का ट्रेनिंग, इससे फायदा क्या होगा कि पुराने जलेबी भी गर्म हो जाएंगे। महंग सिंह को जान रहे हैं? अभी मैं 20 रुपए का ले रहा हूँ, देखते कितना देते भैया, और 20 रुपए का पैक करा लेता हूँ, उसको घर ले जाना है। नीला नीला का है क्या? किंग सिटी, ब्लू सिटी ना है, ब्लू सिटी है, बढ़िया सिटी है। 20 रुपए में भैया ने बहुत सारा दे दिया हम लोगों को। ये लो भैया, डबल कर रुपए को। हाँ डबल कर दो भैया, इसको खाएंगे भी। दही कैसे तो... अरे दही घर ले जाने के लिए मजाक कर रहा है। अभी ले ला है? हाँ। रियली तो पागल है। तो क्या खाएगा? पेपर में काफी ले रहे हैं तो दही कैसे निकालेगा? ये दही लेके आया खाने के लिए, मैं सोचा घर के लिए लाया, लेकिन सही में दही यहाँ खाने के लिए ले आया। तो ये गर्मा गर्म जलेबी हाथ में आ गया है और शशांक अब दही निकालने का जुगाड़ कर रहा है। ये दही भी ले आया है। अच्छा दही एकदम गाढ़ा है, नहीं मैं रियली सोचा कि घर ले जा रहे हैं। मैं भी तो गाइस अभी इसको पकड़ इसको पकड़ता हूं, हाथ से मैं कैमरा पकड़ा हूं, मास्क नीचे कर लेता हूं। और ये मजा आ गया, दही के साथ शशांक लाया है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लग रहा है, जल्दी से खा लेते हैं। भैया 20 रुपए का पैक भी कर देना ना। हां ये जयपुर में ना, जयपुर में दही जलेबी का ट्रेनिंग लेके आया भैया, पूछ रहे हैं पूरा यूपी भर में खाते हैं। इसका घर मतलब लखनऊ का ही रहने वाला, उत्तर प्रदेश का निवासी है, दादा वाला है। तो गाइस हम लोग अभी खा लिए हैं, हम लोग निकल रहे हैं अब थोड़ा बाहर घूमते हैं। अभी घर तो गया था मैं, फिर वापस बाहर आ गया हूँ, तो थोड़ा जाने के बाद फिर आ जाऊँ। तो भैया यहाँ पर पैक कर दिए हैं, तो पैसा दे रहा हूँ ना आपको। सो गाइस फाइनली अब मैं घर आ चुका हूँ, आप लोग देख रहे होंगे दिन भर जितना काम कर लिया, तो आज का व्लॉग भी शूट कर लिया और अभी जा रहा हूँ एडिट करने के लिए। टाइम आप लोग पीछे देख रहे होंगे कि 7:30 लगभग हो गया है, तो अभी फिलहाल मैं जाऊँगा एडिट करने के लिए, यानी कि यहाँ बैठ के एडिट करूँगा। अब मेरे बेड हो गया तैयार, अब इसमें करना है मेरे को लेट के सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग, और कुछ काम नहीं करना है, क्योंकि एडिट करने में बहुत देर हो जाता है और फिर अपलोड करने में बहुत थंबनेल बनाने में बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी एडिट करके अपलोड कर दूं, ताकि अगले दिन तक आपको वीडियो मिल जाए। और अभी वीडियो मेरा कुछ गैप करके आ रहा है, तो जैसा भी टाइम मिलता है मैं ब्लॉग शूट करके डालते रहता हूं, हर दिन अभी रेगुलर पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो देखते हैं कब पॉसिबल होगा। बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिए अच्छे से, ताकि मैं जल्दी आगे बढ़ सकूं और आप लोग और एंजॉय करें मेरे ब्लॉग को। तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करके मेरा सपोर्ट जरूर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का भाई आगे बढ़ रहा है और आप लोगों को हंसा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।